बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा अपने विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक को पित पत्र लिखे जाने पर जेडीयू प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संबंध में मुझे जानकारी नहीं है और सभी मंत्री अपने अपने विभाग को देखते हैं। श्रवण कुमार ने कहा, हम तो समझते हैं कि सभी विभाग के जो मिनिस्टर हैं, उनके विभाग के छोटे से बड़े अधिकारी सब लोग नियम और कानून के हिसाब से काम करते हैं। वही अधिकारी के पाठक के बारे में श्रवण कुमार ने कहा, पूरा बिहार जानता है कड़क अधिकारी है, नियम के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, वो करते हैं। इस राज्य में जो भी अधिकारी है कानून के हिसाब से काम करते हैं। अरे भाई, भाजपा अफवाह पार्टी है। अब भाजपा का जो सगुफा छुटता है तो जितना मीडिया है, प्रेस है, सब लोग लग जाते हैं उस पर। अब आप लोग का भी सोच तो बहुत अच्छा है, दिमाग भी अच्छा है, लेकिन आप लोग भी दिग्भ्रमित कभी कभी उसके भाषण से, उसके काम व्यवहार से हो जाते हैं और उसके प्रचार से हो जाते हैं। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि ये बिहार है, नीतीश कुमार जी हम सबके सर्वमान नेता है, ये राजस्थान नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। बिहार में एक्सपेरिमेंट करने वाले खुद इस चक्कर में पड़ जाएंगे। तो हम लोग को तो जानकारी मिली है कि भाजपा ही की टूट में है, कि भाजपा के जितने कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, चाहे आदरणीय रविशंकर जी हों, आदरणीय नंदकिशोर जी हों, आदरणीय प्रेम कुमार जी हों, आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी हों, ये जितने बड़े नेता थे सबको सेंटरिंग में कर दिया, यानी बोगी के आखिरी में वो चढ़ेंगे, जगह मिलेगा तो चढ़ेंगे, नहीं तो हुए पड़े रहेंगे। तो भाजपा में खुद घुटन वो लोग महसूस कर रहे हैं, और कब भाजपा को तोड़ करके वो निकलेंगे वो तो भाजपा ही को पता होगा, दूसरे को क्या पता है। हरिवंश जी को लेकर जो नाराजगी थी दूर हो गई अभी? हरिवंश जी हम लोग के पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं जेडीयू के, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी राज्यसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, सभी जेडीयू के नेताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उस कड़ी में मिलने आए थे, उनको जब खबर गई होगी तो मिलने आए होंगे, तो मिलेंगे, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, संगठन को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, और आने वाले जो 2024 की चुनौतियाँ हैं उससे कैसे मुकाबला किया जा सकता है, भाजपा से भारत को कैसे मुक्त किया जा सकता है, ये सारी जो हमारे संकल्प है इसको धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है, इसके लिए विमर्श हो रहा है। तो तरह तरह का अफवाह है कि जेडीयू टूट रहा है। भाई जेडीयू कहाँ टूटने वाला है, जेडीयू जिस धरातल पर है और रहेगा। आप बिहार से, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सभी गठबंधन के, महागठबंधन के नेताओं को यहाँ बैठक किया है, उसे भाजपा में बेचैनी है, और भाजपा बेचैन होकर तरह तरह का अफवाह पैदा कर रहा है, और उस अफवाह में बिहार की और देश की जनता को फंसने की ज़रूरत नहीं है।